हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बैंकर्स व्यू पावर्ड बाय आईबीसी इंस्टीट्यूट। आज के लिए हमारा टॉपिक होगा ट्रेंड्स। तो टॉपिक शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट के बारे में बता दूं जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। अभी एक छोटे से एग्जांपल से मैं बताता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल, कोई एक ब्रिज है, मान लेते हैं, चलो ये मान लीजिए कि आप ये एक ब्रिज है और इस ब्रिज को यहाँ से लेके यहाँ तक एक आदमी क्रॉस करना चाहता है, ठीक है। तो अगर ये आदमी इस ब्रिज को क्रॉस करना चाहता है तो इसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा अगर उसको ये ब्रिज को क्रॉस करना है। आप कहोगे यहाँ पे उसको ब्रिज का डिस्टेंस जितना भी है, ब्रिज की जो लेंथ है, ठीक है, वो लेंथ को ट्रैवल करना पड़ेगा, तब जाके वो यहाँ से लेके यहाँ पे पहुँचेगा, और वो यहाँ पहुँचेगा तभी तो वो क्रॉस करेगा। तो टू क्रॉस अ ब्रिज, ठीक है, सो अ डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पर्सन विच इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द ब्रिज, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल को थोड़ा चेंज कर दूँ, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे कोई आदमी की जगह पे मैं बोलूँ कि यहाँ पे एक ट्रेन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक ट्रेन है जो क्रॉस करना चाहती है इस ब्रिज को, तो अगर ये ट्रेन क्रॉस करना चाहती है इस ब्रिज को तो उसे कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। आप कहोगे सर वापस वही ब्रिज का जो लेंथ है वही डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, तो आप गलत हो, ठीक है। क्योंकि देखिए, ट्रेन अगर यहाँ पे और ये ब्रिज का भी स्टार्टिंग पॉइंट है, जब वो एक दूसरे के सामने आ जाएंगे या फिर एक सेम लाइन पे आ जाएंगे तो यहाँ से क्रॉसिंग की शुरुआत होगी, और ये क्रॉसिंग एंड कब होगी, हम बात करें क्रॉसिंग की, क्रॉसिंग मतलब पार करना, पार करना मतलब वो छोड़ के आगे चले जाना, ठीक है। तो यहाँ पे ये ट्रेन जब यहाँ से निकलेगी और ये ट्रेन एंडिंग पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे, तब जाके क्या होगा, ट्रेन क्रॉस कर लेगी। तो अभी मुझे बताइए ट्रेन को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा। अभी आपका आंसर ये होना चाहिए कि सर ट्रेन को ब्रिज का तो डिस्टेंस ट्रैवल करना ही पड़ा, ब्रिज का लेंथ ट्रैवल करना ही पड़ा, एज वेल एज खुद को भी ब्रिज के आगे लेके जाना पड़ा, तब जाके जो ट्रेन है उसने क्या कर लिया है, ब्रिज को क्रॉस कर लिया है। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया, यहाँ पे ये समझ में आया है कि अगर यहाँ पे कोई ऐसे ऑब्जेक्ट्स हो या फिर ऐसे वेरिएबल्स हो जो जिसकी खुद की लेंथ नहीं होती, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया था, एग्जांपल ब्रिज वाला ही था अपना, तो ये ब्रिज वाले एग्जांपल के लिए मैंने बताया था कि कोई अगर आदमी हो तो आदमी को खुद की हाइट होती है ना कि लेंथ, ठीक है। लेंथ तो बड़े ऑब्जेक्ट्स की होती है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे आदमी की, अगर आदमी क्रॉस करना चाहता है किसी ब्रिज को तो यहाँ पे मेजरेबल क्या है, ओनली मेजरेबल सिर्फ यहाँ पे ब्रिज की लेंथ है, ठीक है। आदमी की लेंथ तो होती ही नहीं तो वो मेजर तो होगी ही नहीं, ठीक है। और अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट्स सच लाइक ट्रेन्स, तो यहाँ पे ट्रेन छोटी तो होती नहीं, ट्रेन की भी क्या होती है, खुद की लेंथ होती है, एज वेल एज ब्रिज ऑल्सो हैव इट्स ओन लेंथ, तो यहाँ पे दोनों भी लेंथ कंसिडर किए जाएंगे। बस यही बात इम्पॉर्टेंट है और यही आपको पूरे चैप्टर में समझना है, एज वेल एज जिन्होंने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे उनके लिए एक छोटा सा मैं रिविजन दे देता हूँ। यहाँ पे स्पीड कन्वर्जन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको क्या करना होता है, इंटू 5/18। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर क्वेश्चन है 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करो तो आप क्या करोगे, 36 को इंटू 5/18 करोगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड मीटर पर सेकेंड का कन्वर्जन अगर आप करना चाहते हो किलोमीटर पर आवर में तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटू 18/5। इसका एक्सप्लेनेशन, डिटेल याद रखने का तरीका, ये सब कुछ मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में वहाँ पे मेंशन करके रखा है। अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो आप पहले वो लेक्चर्स देखिए, फिर आगे बढ़ना आपके लिए मुनासिब होगा। बात करते हैं एग्जांपल्स के बारे में, ठीक है। बस आपको वापस एक बार थोड़ा रिवाइज करवा दूँ कि मैंने अभी क्या कहा है। अभी मैंने ये कहा है कि ट्रेन के साथ ऑब्जेक्ट कौन सा है इसके ऊपर फोकस करो। अगर ट्रेन के साथ आदमी है या फिर इलेक्ट्रिक का पोल है, सिग्नल पोस्ट है, पेड़ है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनकी खुद की लेंथ नहीं होती, उनकी हाइट होती है, जिनकी खुद की क्या नहीं होती, लेंथ नहीं होती, ऐसे ऑब्जेक्ट्स के लिए लेंथ ऑफ द
ट्रेन, लेंथ ऑफ द ट्रेन, यही क्या होगी, डिस्टेंस होगी। बट ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनमें खुद की लेंथ होती है, फॉर एग्जांपल ट्रेन ही है, ट्रेन अगर ब्रिज को क्रॉस कर रही है, तो ट्रेन का भी खुद का लेंथ होता है, ब्रिज का भी खुद का लेंथ होता है। तो यहाँ पे ये दोनों लेंथ की एडिशन करनी पड़ेगी, तब जाके क्या मिलता है, टोटल डिस्टेंस। ठीक है, अभी अगर ये ओरली नहीं समझ में आया हो तो बिल्कुल भी चिंता करने वाली बात नहीं है, मैं आपको विद एग्जांपल सब कुछ ये अच्छे से बताने वाला हूँ, सो डोंट वरी, आपको एग्जांपल समझ में आ जाएंगे। यहाँ पे अ ट्रेन 360 मीटर्स लॉन्ग इज रनिंग विथ अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे मेरे पास दो दो डेटा अवेलेबल है, एक क्या है मेरे पास लेंथ ऑफ द ट्रेन है एंड उसका स्पीड दे के रखा है, चलो दोनों भी है। उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, इन व्हाट टाइम इट पास अ सिग्नल पोस्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एग्जांपल की शुरुआत ही यहाँ से की थी, मैंने बताया था आपको कि सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि ट्रेन के साथ ऑब्जेक्ट कौन सा है। यहाँ पे ट्रेन तो है पर ट्रेन के साथ ऑब्जेक्ट कौन सा है, सिग्नल पोस्ट। सिग्नल पोस्ट मतलब जो साइड में एक खंभा रहता है जहाँ से सिग्नल होता है रेड ग्रीन, उसे सिग्नल पोस्ट कहते हैं। तो वो सिग्नल पोस्ट उसकी खुद की क्या होती है, हाइट, लेंथ नहीं होती, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे उसकी लेंथ नहीं होती, तो ट्रेन के साथ जो ऑब्जेक्ट है उसको खुद की लेंथ नहीं है, तो लेंथ ऑफ द ट्रेन इज द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होगा आपका, 360 मीटर्स, लेंथ ऑफ द ट्रेन को ही डिस्टेंस कहना है। देन आगे देखिए, स्पीड भी देके रखा है, स्पीड कैसे देके रखा है, 54 किलोमीटर पर आवर। बट प्रॉब्लम क्या है ना, डेटा अप्रोप्रिएट नहीं है। इनके यूनिट्स देखिए, मीटर के साथ कौन चाहिए, मीटर पर सेकंड चाहिए, या फिर यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है तो यहाँ पे क्या चाहिए था आपको, किलोमीटर्स चाहिए था। अप्रोप्रिएट डेटा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर नहीं है तो बनाओ। अभी जस्ट रिसेंटली मैंने कहा कि अगर आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हो, क्यों करना है वापस एक बार बता दूँ, ये मीटर में, तो इसके साथ क्या चाहिए, मीटर पर सेकंड का डेटा चाहिए, ना कि किलोमीटर पर आवर का। तो 54 इंटू क्या करेंगे हम, 5/18, तो 18 थ्रीज़ा, तो आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे 15 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे मेरे पास डिस्टेंस है, मेरे पास अभी मैंने ढूंढा है स्पीड, तो मैं क्या ढूंढ सकता हूँ, टाइम, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड 15 था ये। ठीक है, तो इस तरह से 15 टूज़ा 30, 15 फोर्ज़ा, तो आंसर होगा आपका 24 सेकेंड। देखिए ये तो सब कुछ गिवन है, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती, बट ये कन्वर्जन आपको करना होगा और ये सिंगल स्टेप में आंसर मिल जाता है। वैसे भी टाइम पूछा है तो टाइम का फॉर्मूला है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये हो गया आपका आंसर। बढ़ते नेक्स्ट एग्जांपल के बारे में, देखते हैं क्या कह रहा है वो। ये सभी एग्जांपल थोड़े थोड़े अलग अलग वैरायटीज़ है, तो ये एक भी एग्जांपल आप मिस ना करें, क्योंकि नुकसान तो आप ही का ही होगा। अगर आपको लगेगा कि चलो एक दो एग्जांपल समझ में आ गए, मतलब आगे का भी वैसे ही होगा, तो ऐसा नहीं होता। चलो बढ़ते आगे। अ ट्रेन 160 मीटर्स लॉन्ग, तो यहाँ पे ट्रेन की लेंथ दे के रखी है। पासिस अ मैन स्टैंडिंग नियर अ रेलवे ट्रैक। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास ट्रेन के साथ ऑब्जेक्ट कौन सा है, दूसरा मैन है। तो यहाँ पे डिस्टेंस मतलब क्या होगा, डिस्टेंस मतलब होगा लेंथ ऑफ द ट्रेन, जो कितना है 160 मीटर। जैसे ही आप ट्रेन वाले एग्जांपल्स देखो, सबसे पहले एग्जांपल में ढूंढो कि ट्रेन के साथ ऑब्जेक्ट कौन सा है। ठीक है, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको खुद की लेंथ नहीं, तो फिर लेंथ ऑफ द ट्रेन इज द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस तो मिल गया मुझे, एज वेल एज वो मैन को, स्टैंडिंग मैन को वहाँ से ट्रेवल कर रही है, क्रॉस कर रही है, कितने सेकेंड्स में, पासेस इट इन 8 सेकेंड। तो टाइम इज इक्वल्स टू क्या देके रखा है, 8 सेकेंड। मुझे पहले बताइए यहाँ पे डिस्टेंस मीटर में, टाइम सेकेंड्स में, तो ये अप्रोप्रिएट डेटा है। हाँ, ये अप्रोप्रिएट डेटा है। यहाँ पे डिस्टेंस एंड टाइम मीटर एंड सेकंड में हो, तो जो डेटा मिलेगा, जो आंसर मिलेगा, वो मीटर पर सेकंड में होगा। बट आंसर देखिए किलोमीटर पर आवर्स में हमारे, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी सबसे पहले जो डेटा है उसको यूटिलाइज़ कर लेता है। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 160 / 8, मैंने स्पीड का फॉर्मूला यूज़ किया है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये मिल गया मुझे स्पीड, बट ये किस में होगा, मीटर पर सेकंड में होगा। तो ये मीटर पर सेकंड वाला जो आंसर है वो मुझे किलोमीटर पर आवर में चाहिए। तो क्या करना होता है, 160 × 8, ये जो मीटर पर सेकंड का स्पीड था, इस स्पीड को मैंने क्या किया है अभी, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई किया है। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से देखिए, ये 8 20 ज़ा, ये बन जाएगा आपका 5 4 ज़ा,
तो ये मिलेगा आपको आंसर 72 किलोमीटर पर आवर एंड इट इज़ योर आंसर ऑप्शन ए। होपफुली आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अलग अलग एग्जांपल्स में ले रहा हूँ, तो सभी एग्जांपल्स देखना आपकी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, इफ़ अ ट्रेन रनिंग एट एट द रेट ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर, तो मुझे स्पीड दे के रखा है, चलो ये जो जो दे के रखा है मेंशन करते हैं। क्रॉसेस अ ब्रिज, तो देखो यहाँ पे ट्रेन के साथ ऑब्जेक्ट कौन सा है, ब्रिज है, तो यहाँ पे डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, या फिर मैं अभी के लिए ब्रिज के लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द ब्रिज होगा। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने और क्या मेंशन करके रखा है, इफ़ फाइंड द लेंथ ऑफ द ब्रिज, और हमें ब्रिज की ही लेंथ ढूंढनी है। इफ़ द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 450 मीटर, लेंथ ऑफ द ट्रेन तो पता चल गई 450 मीटर, लेंथ ऑफ द ब्रिज नहीं पता, उसको एक्स मान लेते हैं और ये सभी डेटा मानते हैं कि मीटर में होगा, क्योंकि ऑलरेडी 450 तो मीटर में ही है, ब्रिज की लेंथ भी देखिए मीटर में ही पूछी उन्होंने, तो यहाँ पे एक्स मीटर्स, तो ये तो मिल गया मुझे डिस्टेंस। डिस्टेंस स्पीड दे के रखा है, यहाँ पे ब्रिज है, ब्रिज तो भागता नहीं है, तो यहाँ पे स्पीड किसका होगा, सिर्फ ट्रेन का होगा 15 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया स्पीड। एंड टाइम भी तो दे के रखा है कि उसको 4 मिनट लगता है, 4 मिनट लगते हैं, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, बट कन्वर्जन करना ज़रूरी होगा, किसका किसका कन्वर्जन करना पड़ेगा, आंसर अगर मुझे अभी मीटर में देना है तो ये किलोमीटर पर आवर नहीं चलने वाला, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं कैसे, 15 × 5/18 करना पड़ेगा, इससे क्या होगा, इससे ये डेटा कन्वर्ट होगा मीटर पर सेकंड में। ठीक है, कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन हो तो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ पे बस ये याद रखिए कि ये मिल चुका है आपको 15 × 5/18 एंड टाइम 4 मिनट है, तो मिनट में थोड़ी चलता है, हमें अगर मीटर एंड मीटर पर सेकेंड तो जो टाइम है वो भी सेकेंड्स में होना चाहिए, तो 4 × क्या कर देते हैं 60, इससे क्या मिल जाएगा डेटा, सेकेंड्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मिल गया मेरे को सभी पूरा डेटा, तो मेरे पास अभी डिस्टेंस है, स्पीड है एंड टाइम है, कोई भी एक फार्मूला यूज़ कर लो। अगर मैं डिस्टेंस का फार्मूला यूज़ करता हूँ, तो देखिए क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, तो डिस्टेंस तो ऑलरेडी पता है 450 प्लस एक्स, उसका एक पार्ट नहीं पता वो ढूंढने वाले हम, इज इक्वल्स टू स्पीड क्या था आपका, स्पीड था 15 × 5/18 एंड टाइम क्या था आपका 4 × 60, ये था टाइम। अभी बस कैलकुलेशन करना है, तो अभी कुछ कैलकुलेशन आपके लिए सिंपल हो जाएंगे, तो यहाँ पे 6 × 3 = 18 और 3 × 5 = अभी कुछ कैलकुलेशन करने जैसा नहीं रहा है, तो 450 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 5 × 5 = 25, 25 × 4 = 100 एंड ये इंटू 10 मतलब 1000, तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा आपका 1000 − 450, मतलब एस का आंसर होगा आपका 550 मीटर्स, देखिए ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको सॉल्व करना होगा। देखिए डिस्टेंस मैंने लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द ब्रिज लिया था, जो डिस्टेंस की बात हो गई, स्पीड था जो किलोमीटर पर आवर में था जिसको मुझे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ा, टाइम था जो मिनट में था जिसको मुझे सेकेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ा, और जो डेटा है मैंने कन्वर्ट करके यूज़ किया हुआ वो बस इस फॉर्मूला में डाल रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं कर रहा हूँ। क्या था ये फार्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, ये वो फार्मूला था जिसमें मैं वैल्यू को पुट कर रहा था और थोड़े कैलकुलेशन करने के बाद मुझे आंसर मिल जाता है। ठीक है, अभी शॉर्टकट शॉर्टकट बोल के सामने वाला क्या शॉर्टकट बताएगा आपको, ये जो सभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है उसको डायरेक्ट एक स्टेप में करके बताएगा, वो मैं भी तो कर सकता हूँ, कोई भी कर सकता है, बस आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ये प्रेफरेबल समझा कि आपको बेसिक समझा दूँ। 450 प्लस एक्स, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड जो 15 किलोमीटर पर आवर है, इसको 5/18 करना पड़ेगा इंटू टाइम 4 × 60, और इसको ही शॉर्टकट कहते हैं लोग, जो मैंने एक्सप्लेन करके बताया वही अगर आप बिना एक्सप्लेनेशन के सुनो तो वो शॉर्टकट ही होता है, तो ऐसा चूना लगाने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको, बट ये क्यों किया ये समझना भी उतना इम्पॉर्टेंट होता है।
नहीं तो इन चक्करों में आप फंस जाओगे शॉर्टकट के, तो फिर कुछ समझ में नहीं आता। इसीलिए लेक्चर्स को हमेशा बेसिक से सीखना ज़रूरी है। जब एक बार आप बेसिक से सीख जाते हो तो एडवांस लेवल तक अपने आप पहुंच जाते हो, किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती। बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के लिए। अ ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग रनिंग विथ अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर विल पास अ स्टैंडिंग मैन इन। ओके, तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे ट्रेन की तो बात हो रही है, ट्रेन की लेंथ दे के रखी है, सामने ऑब्जेक्ट कौन सा है, मैन है, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होगा, 150 मीटर। ये तो कन्फर्म ही है, दिमाग में रखो, ट्रेन के साथ मैन वाला ऑब्जेक्ट है। ओके, लेंथ ऑफ द ट्रेन इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस मिल गया, स्पीड भी पता है 30 किलोमीटर पर आवर। बट प्रॉब्लम क्या है ना, मुझे 30 किलोमीटर पर आवर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए मीटर पर सेकंड में। क्यों? क्योंकि आंसर वैसे भी सेकंड में देना है, तो मीटर, मीटर पर सेकंड एंड सेकंड्स, ये अप्रोप्रिएट डेटा हो गया उसके लिए। तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, 30 इंटू क्या करना पड़ेगा, बस 5/18, ये हो गया डिस्टेंस, ये मिल गया स्पीड। तो टाइम ढूंढना है, तो टाइम इज इक्वल्स टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और ये स्पीड था 30 इंटू 5, और ये जो डिवाइड का 18 में लिखूंगा वो वैसे भी ऊपर ही जाएगा, तो मैं क्या कर लेता हूँ, उसे अभी ही ऊपर लिख लेता हूँ। तो ये हो गया 3 10 3 6 5 3 तो ये 180 मिल जाएगा आपको आंसर। ठीक है, तो ये सॉरी 0 0 भी कट हो जाएगा, तो आपको आंसर मिलेगा 18 सेकेंड्स, ये 0 0 कट हो रहा है। ठीक है, तो आंसर होगा आपका 18 सेकेंड्स। तो कौन सी बड़ी बात थी इस एग्जांपल में, बिल्कुल नहीं, बस कंसेप्ट को समझना है आपको, और कंसेप्ट समझने के लिए ऐसे बहुत सारे एग्जांपल देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि एक दो एग्जांपल देख के नहीं होता बात, आपको ऐसे मल्टीपल एग्जांपल्स देखने होंगे, ऑब्जर्व करने होंगे, खुद से सॉल्व भी करने होंगे। अ ट्रेन कहा गया है 280 मीटर्स लॉन्ग इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म। ओके, तो यहाँ पे ट्रेन के साथ कौन सा ऑब्जेक्ट है, प्लेटफॉर्म है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। लेंथ ऑफ द ट्रेन कितनी है, 280, लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म कितना है, 220, तो आंसर क्या आएगा आपका, 500। ठीक है, तो इस तरह से 500 मीटर ये क्या होगा आपका, लेंथ होगा, ये पहली चीज़। ठीक है, दूसरी चीज़ स्पीड दे के रखा है, अभी स्पीड दो चीज़ों का देंगे नहीं, एक ही चीज़ का होगा, प्लेटफॉर्म का कहाँ पे स्पीड होता है, प्लेटफॉर्म थोड़ी ना रन करता है, रन कौन होता है, ट्रेन। तो यहाँ पे स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, वापस वही प्रॉब्लम है कि मुझे स्पीड चाहिए था मीटर पर सेकंड में, तो 72 इंटू 18 डिवाइड बाय 5 कर दूंगा मैं, गलत लिखा, 5/18 करना होगा, जो करके वो मीटर पर सेकंड में होगा। अभी मेरे पास अप्रोप्रिएट डेटा है, मेरे पास डिस्टेंस है, मेरे पास स्पीड है, तो मैं क्या ढूंढ पाऊंगा, टाइम, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड जो है 72 इंटू 5, और मैंने अभी कहा कि नीचे का 18 वैसे भी ऊपर जाने वाला है, तो वो जाएगा, और फिर कैंसिलेशंस आप कर सकते हो। ठीक है ना, ये कौन सी बड़ी बात है, 18 फोजा देन 500 जा, और ये हो जाएगा आपका आंसर, एंड आंसर इज 25 सेकेंड्स। देखिए कितना सिंपल एग्जांपल है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, तो देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में क्या आपके लिए कुछ नया है। यहाँ पे अ ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग क्रॉसेस अ पोल, ट्रेन के साथ कौन सा ऑब्जेक्ट है, पोल वाला, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होगा, ओनली लेंथ ऑफ द ट्रेन। ठीक है, एंड टाइम दे के रखा है सेकेंड्स में, 10 सेकेंड्स, तो मीटर के साथ सेकेंड है, मतलब अप्रोप्रिएट डेटा है आपके पास, कोई ज़रूरत नहीं आपको कन्वर्जेंस की, बस ढूंढना क्या है, स्पीड, बट स्पीड किलोमीटर पर आवर में ढूंढना है, तो वो बाद में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू स्पीड, और ये जो स्पीड मिला है वो मीटर पर सेकेंड का था, उसको किलोमीटर पर आवर में करना है, तो 18 डिवाइड बाय 5 तो करना होगा, 0 0 कैंसिल हो गए, 5 3 15 किलोमीटर पर आवर, एंड इट इज योर आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में। देखिए हर एक एग्जांपल आपको कुछ नया सिखाएगा, ठीक है, सीखना नहीं सीखना आपके ऊपर है, बट हर एग्जांपल कुछ ना कुछ नया सिखाता है। जैसे कि पोल वाले एग्जांपल्स हो तो क्या करना है, अभी सीखा हमने, कंसेप्ट तो वही यूज़ कर रहे हैं, बट नया वर्ड सीखने मिला वो भी इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट एग्जांपल, अ ट्रेन 50 मीटर्स लॉन्ग पासेस अ प्लेटफॉर्म 100 मीटर्स लॉन्ग इन
10 सेकेंड्स। तो यहाँ पे नया क्या है, यहाँ पे ट्रेन के साथ कौन है, प्लेटफॉर्म है जिसका लिंक देके रखा है। तो ट्रेन कितने मीटर्स की है, 50, एंड प्लेटफॉर्म कितने मीटर्स का है, 100। तो टोटल लेंथ कितनी हो गई, 150 मीटर। देन टाइम देके रखा है, टाइम इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स। तो यहाँ पे मीटर के साथ सेकेंड है तो अप्रोप्रिएट है सब कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस स्पीड ही तो ढूंढना है, स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आंसर होगा 15 मीटर पर सेकेंड। जिसको कन्वर्ट भी नहीं करना वही आपका आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं क्या कुछ नया है। अ ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड एट द रेट ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर पासेस अ स्टैंडिंग मैन इन 8 सेकेंड्स। देन फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द ट्रेन। यहाँ पे डिस्टेंस नहीं पता, लेंथ ऑफ द ट्रेन मतलब क्या है, डिस्टेंस। और क्यों डिस्टेंस कह रहा हूँ, क्योंकि स्टैंडिंग मैन वाली कंडीशन है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, मैन। तो डिस्टेंस ढूंढना है, लेंथ ऑफ द ट्रेन मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस ढूंढना है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। ये स्पीड ये रहा, जिसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे मीटर पर सेकेंड में, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए इंटू 5/18, एंड टाइम दे के रखा है तो हो गया। तो ये हो गया आपका 80 मीटर्स, लेंथ ऑफ द ट्रेन इज इक्वल्स टू 80 मीटर्स। सिंपल एग्जांपल्स है, ठीक है, ये बेसिक वाला पार्ट है, बट ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें अलग अलग सिचुएशंस आएंगे, अलग अलग कंडीशंस आएंगी, वो बड़े एग्जांपल्स में काम में आएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है, अ ट्रेन 450 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ टनल। अभी ऑब्जेक्ट कौन सा है, टनल, मतलब टनल की लेंथ जो है वो भी डिस्टेंस में कंसिडर की जाएगी, जो मुझे नहीं पता, जिसको मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स कंसिडर कर रहा हूँ। एक्स मतलब क्या होगा, लेंथ ऑफ द टनल, ठीक है। तो ये मीटर्स में, देन आगे दे के रखा है स्पीड ऑफ द ट्रेन। टनल की तो स्पीड नहीं हो सकती ना, टनल, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ द ट्रेन दे के रखा है 72 किलोमीटर पर आवर, बट मुझे चाहिए वो मीटर पर सेकेंड में। तो क्या करना पड़ेगा, 72 × 5/18 करना पड़ेगा। तो ये मिल गया मुझे स्पीड, एंड टाइम तो देखे ही रखा है, क्या देखे रखा है, 34 सेकेंड्स। तो अभी देखिए मेरे पास क्या क्या डेटा अवेलेबल है, मेरे पास डिस्टेंस है, स्पीड है जो अप्रोप्रिएट है, टाइम है जो अप्रोप्रिएट है। तो ये तीनों से मैं डिस्टेंस का फॉर्मूला भी यूज़ करूँगा। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड क्या था आपका, सॉरी पहले डिस्टेंस से शुरुआत कर लेते हैं। डिस्टेंस क्या था, 450 + x इज इक्वल्स टू स्पीड क्या था, 72 × 5/18 एंड 34, ठीक है। तो ये इस तरह से हो गया आपका डेटा रेडी। तो 18 × 4 = 20, तो ये 4 × 5 = 20, तो ये 4 × 2 = 8 एंड 3 × 2 = 6 ना 80, एंड ये 450 + x, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 680 में से आपको माइनस करना पड़ेगा 450, तो देखते हैं यहाँ पे आंसर आएगा 230, एंड इट इज़ योर आंसर मीटर्स। ये हो गया आपका लेंथ ऑफ द टनल, ठीक है। तो देखिए ये तो सब कुछ मैं लिख के दे रहा हूँ, मैंने अभी एक्सप्लेन किया था। शॉर्टकट वाले क्या चूना लगाते हैं, आपको डायरेक्ट ये इक्वेशन दिखाएंगे, वो तो मैं भी दिखा सकता हूँ, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड स्टेप में तो आंसर है, बट मैं चाहता हूँ आप कंसेप्ट को समझो, बेसिक्स अच्छे से समझो, जो आपके लिए फ़ायदेमंद है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अ ट्रेन पास्ड अ इलेक्ट्रिक पोल इन 15 सेकेंड्स एंड पास्ड अ प्लेटफॉर्म इन प्लेटफॉर्म ऑफ 100 मीटर्स इन 30 सेकेंड्स। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास एक नहीं, आपके पास दो दो कंडीशंस है, एक इलेक्ट्रिक पोल वाली कंडीशन है और दूसरी कंडीशन है प्लेटफॉर्म वाली। तो यहाँ पे इन दोनों कंडीशंस को कैसे टैकल करने वाले हो आप, तो यहाँ पे बात करते हैं। तो सबसे पहले ट्रेन पास्ड अ इलेक्ट्रिक पोल इन 15 सेकेंड्स, तो इलेक्ट्रिक पोल वाली कंडीशन इसको कंडीशन वन कहते हैं, एंड प्लेटफॉर्म वाली कंडीशन इसको कंडीशन टू कहते हैं। जो फर्स्ट कंडीशन है, उस फर्स्ट कंडीशन में लेंथ ऑफ द ट्रेन इज डिस्टेंस, ये तो मानते हो आप। तो डिस्टेंस मतलब लेंथ ऑफ द ट्रेन होगा, जो नहीं पता जिसको मैं एक्स कंसिडर कराऊँ, तो डिस्टेंस एक्स हो गया। टाइम 15 सेकेंड्स दे के रखा है। यहाँ पे जो सेकेंड कंडीशन है, प्लेटफॉर्म वाली कंडीशन, प्लेटफॉर्म वाली कंडीशन में क्या दे के रखा है आपको, देखिए
100 मीटर्स का प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जो 30 सेकेंड्स में वो क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ पे दोनों कंडीशंस में क्या सिमिलैरिटी है, मैं अलग तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ, इसे ज़्यादा इजी होगा आपके लिए। दोनों कंडीशंस में इक्वल क्या है बताइए। यहाँ पे ट्रेन है जो इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस कर रही है, ट्रेन है जो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, तो दोनों कंडीशन में इक्वल क्या हुआ, स्पीड। क्योंकि स्पीड तो बस एक ही चीज़ का रहेगा, जो कौन है, ट्रेन है, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोल को भी स्पीड नहीं होता, प्लेटफॉर्म को भी स्पीड नहीं होता, तो ट्रेन का ही स्पीड रहेगा। तो दोनों कंडीशन में मैं इक्वालिटी ढूंढ लेता हूँ, तो स्पीड, ये इक्वालिटी हुई, स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और दूसरे कंडीशन में भी स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम ही होता है। तो अभी ये डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब कैसे क्या लिखना है, यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगा, अगर ये कंडीशन मैंने कहा था इलेक्ट्रिक पोल वाली है और ये प्लेटफॉर्म वाली है, तो इलेक्ट्रिक पोल के लिए डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन, जो मुझे नहीं पता, जिसको मैं एक्स कंसिडर करता हूँ, अपॉन टाइम तो दे के रखा है 15 सेकेंड्स, इज इक्वल टू सेकेंड कंडीशन में डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ द ट्रेन, जो मैं एक्स कह चुका हूँ, प्लेटफॉर्म वाले कंडीशन में लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, ये आपका डिस्टेंस होगा, डिवाइड बाय 30। तो ये हो गया टूजा, क्रॉस कर लेते हैं तो ये बनेगा 2x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 100, तो यहाँ पे आएगा x इज इक्वल्स टू 100। तो इस तरह से मुझे क्या मिल गया है, यहाँ पे x की वैल्यू मिल गई, मतलब लेंथ ऑफ द ट्रेन मिल गई है, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। लेंथ ऑफ द ट्रेन ढूंढनी थी, जिसे मैं x कंसिडर कर चुका था, और इस x की वैल्यू हमने इस तरह से ढूंढ ली है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, नहीं समझ में आया तो थोड़ा रिवाइंड करिए, और फिर भी अगर प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, जो भी प्रॉब्लम्स है मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट एग्जांपल, अ ट्रेन 240 मीटर लॉन्ग पासेस अ ब्रिज 120 मीटर लॉन्ग। ट्रेन जो है ब्रिज को क्रॉस कर रही है, मतलब डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 240 प्लस 120 तो होगा ही होगा, तो ये कितना होगा टोटल 360 मीटर, ये हो गया टोटल डिस्टेंस। और वो टाइम भी दे के रखा है, टाइम कितना है 24 सेकेंड्स, तो आपके पास क्या क्या डेटा अवेलेबल है, आपके पास डिस्टेंस है, आपके पास टाइम है, तो क्या ढूंढ सकते हो, स्पीड। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बट ये चाहिए उन्हें किलोमीटर पर आवर में, अभी मुझे डेटा मिलेगा मीटर एंड सेकेंड का, मतलब मीटर पर सेकेंड, जिसको कन्वर्ट करना होगा किलोमीटर पर आवर में, मतलब 18/5, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेते हैं, तो 5 7 35, 5 2 10, ठीक है, देन 24 1 24 3 किलोमीटर पर आवर, एंड इट इज योर आंसर, ऑप्शन बी। सिंगल स्टेप पे आंसर्स आते हैं, बड़ी बात नहीं है, ये तो मैं एक्सप्लेन करने के लिए सब कुछ लिख रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट यूनिफॉर्म स्पीड क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म 200 मीटर्स लॉन्ग इन 10 सेकेंड्स एंड पासेस अ टेलीग्राफ पोस्ट इन 6 सेकेंड्स। अभी एग्जांपल किया था, ये समझ लो कि उसकी रिविजन है, याद आ रहा है तो बहुत अच्छा है, नहीं याद आ रहा है तो फिर अच्छे से देखने की ज़रूरत है, एग्जांपल आप अच्छे से देख नहीं रहे हो। लेंथ ऑफ द ट्रेन, जो मुझे नहीं पता उसको क्या मान लेते हैं, एक्स, तो जो लेंथ ऑफ द ट्रेन है वो एक्स है। तो यहाँ पे पहली कंडीशन क्या है, प्लेटफॉर्म वाली है, और दूसरी कंडीशन टेलीग्राफ पोस्ट के लिए, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन के लिए सेम चीज़ क्या है, स्पीड है, क्योंकि दोनों कंडीशन में सिर्फ ट्रैवलिंग, सिर्फ ट्रेन ही कर रही है, तो ट्रेन का स्पीड तो दोनों कंडीशन में सेम होगा, स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखते हैं डिस्टेंस क्या दे के रखा है, फर्स्ट वाली कंडीशन में डिस्टेंस क्या होगा, प्लेटफॉर्म वाली कंडीशन है तो लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ ऑफ द ट्रेन, ये डिस्टेंस होगा, डिवाइड बाय उसके लिए कितना सेकंड्स लग रहे थे, 10 सेकंड्स। एंड दूसरे वाली कंडीशन में टेलीग्राफ पोस्ट है तो ओनली लेंथ ऑफ द ट्रेन इज डिस्टेंस एंड उसको 6 सेकंड्स लग रहे थे। तो यहाँ पे क्रॉस कर लेते हैं, तो ये क्रॉस सिंप्लीफाई करके कर लो या फिर वैसे भी कर लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अभी हमेशा बड़ा बड़ा लिख के दूंगा तो नुकसान ही होगा, टाइम भी बढ़ेगा, तो उससे अच्छा मैं डायरेक्टली कर दूँ। तो यहाँ पे 4x इज इक्वल्स टू 200 इंटू 6, मैं मेरी तरफ से कर रहा हूँ, तो ये 300, x का वैल्यू आ गया 300, तो यहाँ पे आंसर होगा आपका नन ऑफ दिस, ठीक है। तो यहाँ पे नन ऑफ दिस आंसर होगा, क्योंकि आंसर आ रहा है 300 मीटर्स, इट इज़ योर लेंथ ऑफ द ट्रेन, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अ ट्रेन 120 मीटर लॉन्ग क्रॉसेस अ
स्टैंडिंग मैन इन 5 seconds. हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्रॉस अ ब्रिज 180 meters लॉन्ग. ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्रेन है वो ट्रेन की लेंथ दे के रखी है और ऑब्जेक्ट कौन सा है सामने, मैन है, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होगा, 120. एंड ये सिर्फ मैन के कंडीशन के लिए हम बात कर रहे हैं, वो आगे क्वेश्चन कुछ अलग है, बट मैन के कंडीशन में डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 120 meters एंड टाइम दे के रखा है 5 seconds में वो क्रॉस कर लिए थे, तो स्पीड क्या मिल जाएगा मुझे, 120 divided by 5, मतलब 24 meters per second. तो ये मिल गया मुझे स्पीड. अभी उन्होंने क्वेश्चन अलग पूछा है, क्वेश्चन पूछा है उन्होंने ब्रिज के बारे में, तो ये ब्रिज के बारे में क्वेश्चन था. उन्होंने कहा था ब्रिज को क्रॉस करना है, तो डिस्टेंस कितना होगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द ब्रिज, मतलब कितना होगा, 300 meters. अभी डिस्टेंस चेंज हो गया एंड स्पीड तो वही रहेगा, स्पीड क्या था, 24 meters per second. तो आपके पास डिस्टेंस है, स्पीड है, तो क्या ढूंढ सकते हो आप, टाइम, और टाइम सेकंड्स में ढूंढ के देना है, तो कुछ कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है. तो 300 divided by क्या आएगा, 24, तो ये सेकंड्स में आपको आंसर मिल जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे आंसर पूरा ढूंढ के देने की मुझे ज़रूरत नहीं लगती, क्योंकि छोटे मोटे कैलकुलेशन है, उसके लिए टाइम वेस्ट नहीं करते. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, क्योंकि लेक्चर्स थोड़े बड़े बड़े होते जाते हैं छोटे छोटे कैलकुलेशंस की वजह से. अ ट्रेन 150 meters लॉन्ग पासिस अ टेलीग्राफ पोस्ट इन 12 seconds, फाइंड इन वॉट टाइम विल इट पास अ ब्रिज 250 meters लॉन्ग. सेम वराइटी का एग्जाम्पल है, वही बस करना है आपको. मैं तुम्हें डायरेक्ट करके देता हूँ कि क्या करना है, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि शॉर्टकट शॉर्टकट बोल के आपको क्या दिखाता है. जो मैं डेटा दिखा रहा था वो एक्सप्लेनेशन के लिए था, बिना एक्सप्लेनेशन के डेटा बस इतना ही होगा, 150 divided by 12 इज इक्वल्स टू 150 plus 250 divided by what. ठीक है, तो इससे भी आंसर मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी. दोनों तरफ मैंने स्पीड लिखा है, प्रीवियस एग्जांपल और ये एग्जांपल एकदम सेम टू सेम है. वो वाला तरीका भी अच्छा था, ये वाला तरीका भी आप यूज़ कर सकते हो. इससे आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पे टाइम मिलने वाला है, और वैसे टाइम ही पूछा गया है तो स्पीड ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है. वैसे ये जो मिल रहा है वो भी क्या है, आपके लिए स्पीड ही तो है, तो यहाँ पे अलग कुछ प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं, वो आंसर्स ऐसे ही आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. तो 3 4 12, 3 5 15 and 0, तो ये क्रॉस अगर कर दे तो यहाँ पे आएगा 50x और इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इन दोनों की एडिशन आ रही थी 400, तो ये आएगा 32 seconds, हो गया आपका आंसर. बढ़ते नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ. अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट 36 km/h टेक्स 10 seconds टू पास अ टेलीग्राफ पोल, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म 55 meters लॉन्ग. देखिए अभी थोड़े चेंजेस तो करना बनता है, ठीक है, थोड़े बहुत चेंजेस वो हमेशा करेंगे. अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट 36 km/h इन 10 seconds टू पास अ टेलीग्राफ पोस्ट, तो टेलीग्राफ पोल के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे आपका डिस्टेंस ही लेंथ ऑफ द ट्रेन होता है, बट डिस्टेंस ही नहीं देके रखा है, लेंथ ऑफ द ट्रेन तो देके नहीं रखा. सबसे पहले क्या ढूंढना होगा आपको, लेंथ ऑफ द ट्रेन, तो डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड. अभी ये क्यों कर रहा हूँ ये बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए. तो डिस्टेंस मिल गया मुझे और यही क्या होगा आपका, लेंथ ऑफ द ट्रेन, तो लेंथ ऑफ द ट्रेन भी मिल गया. और कंडीशन आगे जो उन्होंने बोली है वो है प्लेटफॉर्म वाली, तो प्लेटफॉर्म वाले कंडीशन के लिए आपका डिस्टेंस इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म होता है. तो मुझे मिल गया टोटल डिस्टेंस जो है 155 meters. डिस्टेंस के साथ स्पीड तो ऑलरेडी पता था, स्पीड था 36 और आंसर देना है सेकंड्स में. चलो तो यहाँ पे 36 km/h है, 5/18 करना होगा मीटर पर सेकंड्स के लिए, जो करके अप्रोप्रिएट डेटा मिल पाए. तो टाइम इज इक्वल्स टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 36 × 5 और ये नीचे का 18 ऊपर जाएगा, बस कैलकुलेशन ही बाकी रह गया है. तो यहाँ पे पॉइंट में आंसर आएगा 5 3 15, 5 1 तो 2 1 2, 2 5 10 एंड 2 5 10, तो आंसर आएगा 15.5 seconds, ऑप्शन डी. कैलकुलेशन वाला पार्ट है तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. ऐसे बहुत सारे वैरायटी के एग्जांपल्स आपको देखने हैं, ये छोटे छोटे एग्जांपल्स ही आपको और बेहतर बनाएंगे. और अगर आपको बेहतर और बेहतर बनना है, स्टार्टिंग तो छोटे से करनी होगी,
ठीक है, तो और एक छोटा कदम उठा लीजिए, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन, जो करके जो ये छोटे छोटे कदम हम बढ़ा रहे वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे, आपका फ़ायदा होता रहे। सो टिल देन आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जो ट्रेन्स का एडवांस पार्ट होगा। ये बेसिक पार्ट था, ट्रेन्स का एडवांस पार्ट होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर।